नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह दुआ के नेतृत्व में आज तमाम व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन एडीएम द्विवेदी जी को सौंपा। उन्होंने मांग की है 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाले एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा। भारत सरकार ने जो पर्यावरण की रक्षा के लिए एक उपयोगी कदम है उसके लिए, लेकिन 1 जुलाई से इसे लागू करना जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है जिसकी अभी पर्याप्त तैयारी नहीं हुई है। पूरे देश में जिस प्रकार से प्लास्टिक के बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है उसे देखते हुए तुरंत लागू करना अव्यवहारिक है और सबसे ज्यादा समस्या देश के व्यापारियों पर आएगी जिनका जनता से सीधा संपर्क है, क्योंकि ना तो व्यापारी जींसों को पैकिंग करते हैं और ना ही भेजता है, वह तो केवल एक मध्यम मात्र है। हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक का 95 बहुराष्ट्रीय कंपनी, कारपोरेट निर्माताओं, उत्पादकों, ई कॉमर्स कंपनी, वेयर हाउसिंग हब, उद्योग व अन्य प्रकार के उत्पादन इकाइयों द्वारा माल की पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा अगर रोक लगानी है तो सबसे पहले पॉलिथीन निर्माताओं पर रोक लगाई जाए जहां से इसकी शुरुआत होती है। इससे जब ऊपर से ही माल नहीं बनेगा तो निचले व्यापारियों को नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि प्रतिबंध लगाने से पहले वैकल्पिक उत्पादकों की जागरूकता और उपलब्धता के और प्लास्टिक की गायों को उसकी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, बगैर इसको लागू करना अव्यवहारिक होगा। योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नाम में एक ज्ञापन दिया है कि ये सिंगल यूज की जो प्लास्टिक है पॉलिथीन, इसको 1 जुलाई से पूरे देश में बंद किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि ये बंद होनी चाहिए, इसमें हम भी सहयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको बंद करना हो तो आप पहले इंडस्ट्री जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रही है ना उसको बंद करिए। जब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी तो हम तो देखिए खाली प्लास्टिक को यूज कौन करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके पैकेट बंद आते हैं, बिस्किट है, रसे हैं, नमकीने हैं, सब कुछ वहाँ बंद करें। व्यापारी तो मुश्किल से 5 से 10% यूज करता है ग्राहक को देने के लिए, उपभोक्ता को देने के लिए। अगर आप बंद करना चाहते हो ऊपर स्तर से करें। जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, बनना ही बंद हो जाएगा, तो कम से कम बाकी जो बना हुआ है उसको वेस्टेज फेंक देंगे, बर्बाद कर देंगे, व्यापारी का नुकसान करेंगे, उससे किसी का भला नहीं होगा। अगर आज प्रोडक्शन बंद हो जाता है, बनना ही एक चीज़ बंद हो जाती है तो बनी हुई ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना 2 महीने चलेगी 3 महीने चलेगी बस, लेकिन उसमें किसी का नुकसान भी नहीं होगा, किसी का आयत भी नहीं होगा। तो हमारा उनसे यही अनुरोध है कि इसको बंद करना है तो सबसे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करें। इनका जहाँ से बाहर से आ रही है, और कई ये प्लास्टिक ज़्यादातर इंडिया में कम बनती है, बाहर से ज़्यादा आती है भारत से, उस पर रोक लगाई जाए। चाइना में से कितना माल आता है, इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए, उस स्तर पे सख्ती की जाए, ना कि बाजारों में जाके छोटे छोटे व्यापारियों के यहाँ छापे डाल के ये इसके आड़ में जो आपके नगर निगम और ये सब ये उत्पीड़न करते हैं व्यापारियों। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो व्यापार मंडल किस तरह से इसका प्रूफ। अब ये देखिए हमारा ये प्रदेश का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय भारतीय व्यापार उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का उन्होंने दिया। उसके बाद अगर हमारा उत्पीड़न किया जाएगा तो हमारे पास तो देखिए कि रास्ता है संघर्ष का, हम संघर्ष में आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परमार्थ आवास न्यूज।